नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में जो कि नवंबर महीने में निकले हुए हैं और जिनके लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। सभी फॉर्म्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट नहीं होगा, कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है। इसके अलावा यहाँ पे आवेदन सभी फॉर्म्स के स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे मैं अगर बात करूँ रेलवे की, बैंक की, SSC की, पुलिस की, पंचायत की, मेट्रो की, यानी कि इन सभी विभागों में यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया ये जॉब है, महिला और पुरुष दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सभी फॉर्म्स के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात यहाँ पे रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकलती हुई, जैसे कि आपको पता है अनाउंसमेंट हुआ था अभी थोड़े दिन पहले 10 लाख वैकेंसीज के आसपास, जिसमें से 1.5 लाख वैकेंसीज यहाँ पे रेलवे की थी। 1.5 लाख में से यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्म निकला है यहाँ पे रेलवे में TT पोस्ट, यानी कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की पोस्ट होती है रेलवे TT वाली पोस्ट, जिसमें वैकेंसीज यहाँ पे CN 102022 करके यहाँ पे 7784 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे मतलब एक तरीके से निकलने वाली है। RRB.gov.in या फिर IndianRailways.gov.in पे जाके आप चेक कर सकते हो इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन को। यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड एक तरीके से RRB होता है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, यहाँ पे 10th और 12th यहाँ पे 12th क्लास पास अगर आपने कर रखी है 10+2 स्कीम में तो आप अप्लाई कर सकते हो TT की पोस्ट के लिए। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन नहीं है, ध्यान रखना। 12th क्लास पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 साल होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने वैकेंसीज आपको बता दी है, लगभग 8000 के आसपास वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया ये जॉब है, महिला पुरुष दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन इसमें शामिल है। इसके अलावा सैलरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी पे इसके लेख सकते हो आप 5200 से 20200 ग्रेड पे 1900 के आधार पर यहाँ पे जो इस बेसिक सैलरी आपकी होती है उसको ऐड करें तो 36000 पर मंथ आपका यहाँ पे बेसिक पे बनता है स्टार्टिंग सैलरी का। TA DA HRA जो भी अलाउंसेंस होता है वो मिला। वो वैकेंसी है यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट 2022 फॉर ग्रुप CND पोस्ट के लिए RN देख सकते हो आप। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये वैकेंसी, यानी कि नगर निगम भर्ती है सीधे अर्थों में, यहाँ हिंदी में बात करूँ यहाँ पे अकाउंटेंट की है, सुपरवाइजर की है, क्लर्क सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है 2900 यानी कि 3000 के आसपास अकाउंटेंट की है, वहीं 3000 सुपरवाइजर के है और क्लर्क वाली 2500 के करीब ये वैकेंसी है। तो एक तरीके से बम्पर वैकेंसी ये निकली हुई है 10000 के आसपास यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे मैं नीचे बता देता हूँ आपको, नीचे ये आप देख सकते हो पूरा कैटेगरी वाइज बता रखा है। इसके अलावा नीचे मैं स्क्रॉल करके आपको और इन्फॉर्मेशन इसकी बता देता हूँ। अकाउंटेंट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो आप अकाउंटेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो मतलब नगर निगम में, और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सुपरवाइजर की देख सकते हो आप ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसके अलावा क्लर्क सेकेंड ग्रेड के लिए 12th क्लास पास आपका मांगा गया है जो कि 10+2 स्कीम में आपका होना चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी वाइज यहाँ पे पूरा मैंने बता दिया है आपको, परफॉर्मर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा वो सारा सब कुछ मैंने बता दिया है। 5 साल 3 साल की यहाँ पे छूट रहती है SC ST वालों को और यहाँ पे 3 साल की OBC वालों को छूट रहती है। इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे 250 रुपये की फीस के साथ में SC ST वाले अप्लाई कर सकते हैं। 8/11/2022 ये इंपॉर्टेंट डेट से जो आप देख लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग डेट, 8 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे जो कि अगले महीने की 10 तारीख तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसका एग्ज़ाम जो है वो टेंटेटिव है फरवरी 2023 में, तो ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, तब तक आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 8/10/12/2022 यहाँ पे इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अगला फॉर्म आता है भारतीय डाक विभाग का। डाक विभाग वाली वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे निकल गई है, साइकिल आप देख सकते हो, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है ये डाक विभाग में। यहाँ पे आप पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये चारों पोस्ट आप देख लीजिए यहाँ पे, ग्रुप सी और ग्रुप डी वाली पोस्ट भी इसमें शामिल की गई है। तो ये चारों पोस्ट एक तरीके से अच्छी खासी पोस्ट है, वैकेंसी बहुत बम्पर यहाँ पे निकली हुई है और ये ऑल ओवर इंडिया पोस्ट है। चाहे आप किसी भी स्टेट से, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं इंडिया के, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके appost.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 25,583 पोस्ट के लिए। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसकी 25,583, 15,000 से स्टार्टिंग सैलरी है आपकी, जो कि जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, और 37,700 इसकी लास्ट मतलब एक तरीके से जो बता रखा है। तो ये पोस्ट है पोस्ट मास्टर वाली, उसके लिए है 37,700 जो कि 35,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है इसकी। पोस्ट मास्टर की अलग से वैकेंसी है इसमें 8,571, वहीं पोस्टमैन, मेलगार्ड और मल्टीटास्किंग की 17,000 के आसपास वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ये आप दोनों ही वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 25,583 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें शामिल की गई है। तो वेल दोस्तों, ये थी यहाँ पे आज के
सारे के सारे फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए, लास्ट डेट इसकी भी जाने वाली है, उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिए अगर आपने नहीं कराया तो। नीचे इसके पूरा डिस्क्रिप्शन में मैंने बता रखा है, 10-12 इसमें मांगी गई है, 18 से 40 इसकी आयु होनी चाहिए। इसके अलावा पोस्ट डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके चेक कर सकते हो, 250 और 200 रुपये की फीस के साथ में आप यहाँ पर 10 तारीख से स्टार्ट हो गए इसके फॉर्म, जो कि 8 तारीख तक यहाँ पे इसके फॉर्म चलेंगे, तब तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।